नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है निखिल गुप्ता के YouTube चैनल पर। और एक बार फिर से आज हम लोग नया ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया था ब्लॉग में नहीं आया था, और क्योंकि ये जो हफ्ता और चल रहा था वो बहुत ही बिजी था, हम सब बहुत बिजी थे बहुत सारी चीज़ें करने में। बट फाइनली आज मौका मिल गया है, और ये मौका भी मिला है काम की वजह से। हम लोग को एक असाइनमेंट मिला है जिसमें हम लोग को अलग अलग थीम से फोटो शूट करना है और प्रैक्टिकल फाइनल प्रेजेंट करना है। इसीलिए आज हम लोग कॉलेज से सीधा जा रहे हैं अपनी लोकेशन पर, जहाँ पे हम लोग फोटो शूट करेंगे। हम लोग बहुत सारे लोग जा रहे हैं और सब बहुत मज़े करेंगे असाइनमेंट के साथ। भाई आदि को फ़ोन लगाओ अगर वो उठाता है तो, क्योंकि इनका हमेशा का रहता है ऐसा। हाँ क्या मिल गया, मैं आ रहा हूँ वापस। मिल गया, प्लीज़ भाई जल्दी आ जाओ। आ जाओ यार, लेट हो रही है। पाँच दस तक गिन रहे हैं हम, तुम आ जाने चाहिए हमारे आंखों के सामने। दस नौ देख लो भैया, यहाँ कोने में खड़े होके इंतजार कर रहे हैं साले का। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है सामने। क्या ये आ गया? इतना किसी को देर लगती है? इससे पूछता यार, ये कुछ नहीं है तुम्हें, वीडियो में फीचर होने की हरकतें हैं तुम्हारी। नहीं कर भाई मेरे को फीचर, मैं मर रही ना वीडियो में फीचर होने के लिए। रहा हो रहा है। देखो जिंदगी में पढ़े इतने लेकर तो है नहीं ये पूरी साल, और किताबें लेके जा रहे हैं लाइब्रेरी में चश्मा छोड़ के आए थे, समझ लो इनकी हरकतें। अजीब यार, वो फोटोग्राफी वाला असाइनमेंट जब हुआ था ना तो मैंने ऊपर रख दिया था तो ऊपर ही रह गया था। ठीक है ठीक है, अब जल्दी जल्दी चलो। चलो यार, शौचालय दिख रहा है ऐसी जगह से निकल। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तुम नहीं चलना है। ओह ये मॉडर्न लेफ्ट राइट था। और मेरे को शूट रह गए। लेफ्ट राइट लेफ्ट भाई देखो लेफ्ट। वो अंकल रोड पे ऐसे अभी वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है भाई, वो सच में ऐसे घूम रहा था। कैसे कौन कैसे उठ के उठ के गए कैसे? नहीं हाँ हो गया बस, और जो भागा है ना देख तो मुझे ऐसे आता है जैसे अंदर से काटा मारे हो गया तुम्हारा चाटा बार। बहुत इसको गाने सुन लिए। देखो भाई देखो 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 क्या है, अलग ही लेवल के नचे हैं भाई। बैग में इतनी सारी किताबें लेके आता, एक किताब खोल के नहीं पड़ी जाती इसे। आज मैं भी लेके आया हूँ, ये रोज लेके आता लाइब्रेरी से, इशू करा लिया, अपने घर पे नहीं रखता है। आ गया हमारा स्टेशन। अगला स्टेशन केंद्रीय सचिवालय। नेक्स्ट स्टेशन इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। उसको ग्रुप का समझ भी नहीं आता हिसाब किताब है क्या, है ना? जग गया, बड़ा लंबा सफर लग रहा है। फाइनली मंडी हाउस पहुंच गए, यहाँ से दूसरा मेट्रो स्टेशन लेना है। यहाँ से हमें येलो लाइन लेनी है। नहीं नहीं मैजेंटा लेनी है भाई, मैजेंटा लेनी है भाई, मैजेंटा यहाँ पे नहीं है। व्हाटएवर सॉरी गाइस, मेरे को लाइंस का नहीं पता है। पहुंचना राजीव चौक है, राजीव चौक आप येलो से। हेलो नहीं नहीं दिल्ली गेट जाना है हमको, क्योंकि आज इसने भी येलो पहना है, इसने भी येलो पहना है, इतने येलो भाई। बेटा काम करने चलो, कलर मैचिंग मैचिंग मत खेलो। आना है जाना है चलते यूं ही जाना। अब मजा आने वाला है, अब बिल्कुल बाहर चल के एकदम को मिलेगा इंडिया के। अबे गिर जाओगे बावली पूछ। पिछली बार क्या हुआ था हमारे साथ स्कैम, और आज क्या हुआ? हम लोग जाने वाले थे इंडिया गेट, फिर दिल्ली गेट नाम सुन के हम लोग दिल्ली गेट पहुंच जाते हैं, जो मेट्रो स्टेशन वो है। तो इस ब्लॉग को देखने के बाद जिनको पता चलेगा, हमको भी वीडियो में चलते होता है। चुप रे भाई, मेरे को सीट लगानी पड़ेगी ऐसे सबने बोला कर। तो हमेशा होता क्या है कि अगर आपको इंडिया गेट आना है
तो मतलब जो वाला मेन गेट आप जो देखते हैं उसके लिए आपको आना पड़ेगा केंद्रीय सचिवालय, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटरिएट, तो वहां पे आओ, वहां से आपको लाइव सामने दिखेगा यही आसपास कहीं इंडिया गेट, और कहीं दिखेगा हमको भी नहीं दिख रहा है, चलते हैं। ये देखो ये है मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटरिएट का, नहीं नहीं यहीं पे होगा, यहीं पे आपको पार्लियामेंट, यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा, और यही वो रास्ते हैं जिन पे परेड निकला करती थी, निकला करती है, और यहीं आसपास कहीं दिखेगा भाई इंडिया गेट, चल ले कहीं तो दिखेगा भाई। हम ऐसा करते हैं हम लोग ना ढूंढ के हम लोगों को पहले मिल जाए इंडिया गेट, फिर दिखाते हैं ब्लॉग में, है ना। हाँ इनका ये सही चल रहा है। देवियों और सज्जनों देखिए यही वो रास्ता है जहाँ पर 25 जनवरी 26 जनवरी और सारी जगह यहाँ पर होता है, ये राजपथ है। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और यहाँ पर भाई कंस्ट्रक्शन की वजह से नो एंट्री लगी हुई है, गार्ड्स लगे हुए हैं दोनों साइड, तो ये वही राजपथ का एरिया है जहाँ से देखो भाई वही व्यू है जो आप टीवियों में देखा करते थे। फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया गेट जो सामने दिख रहा है वो बाद में जाएंगे हम लोग, पहले जाते हैं। क्या ये क्या है भाई, कोई बताओ ये क्या है। अरे यार हैं संतत बाबा ने यहाँ से हम लोग बस लेंगे दिल्ली, दिल्ली बस जो है वो महिलाओं के लिए फ्री है, और ये बसें आ चुकी हैं, ये इसमें नंबर देखो कौन सा बस है, और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे इंडिया गेट क्लोजअप शॉट लेने, वहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ से हमको दोनों तरफ के लिए रास्ते बंद थे। और ये सारी वो वाली बस देख भाई इसमें कौन सा नंबर है, ये बदरपुर की है, 433 है ये, वो भी बदरपुर की है। ओके इन बंदों को पता है कहाँ जाना है, मेरे को भी आइडिया है। आधी सी गैंग हमारी चली चुकी है ना, आधी वाली गैंग हमारी चली गई और आधे हम बचे हैं, तो अब इंडिया गेट जा रहे हैं टेम्पो से क्योंकि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओ भाई वो देखो कुछ मिसाइल विसाइल रखी हुई है, मिसाइल नहीं है, सॉरी फाइटर जेट है, सॉरी माय बैड, मिसाइल बोल रहा है। अरे भाई ये इसको देख के बोलो कुछ आगे का, ये भी चल रहा है, नहीं पैसे खत्म नहीं हुआ है, बट ये वाला असाइनमेंट बहुत महंगा पड़ने वाला है, पहले भूख लगी है। ये वाला असाइनमेंट महंगा इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि ये स्कूल वाली मेमोरीज हमारी रिलीव कर रहे हैं, कह रहे हैं फोटोज खींचो उन्हें प्रिंट कराओ और स्क्रैप बुक में लगा कर दो, मतलब यार जो 5th-6th में करा करते थे दोबारा करो। तुम फ्रेम में आ रहे थे नहीं आ रहे थे। विनायक हमारे आगे बैठे हुए हैं, एक टेम्पो में बंदे चले गए, उनको फोन लगा के प्लीज इन्फॉर्म कर दो कि हम भी पीछे ही हैं आपके। कोई नहीं यार, शॉट बहुत अच्छा आ रहा है। और अब हम लोगों के सामने जस्ट दिख रहा है इंडिया गेट, काफी हम लोग पहुंच चुके हैं। भैया उतर जाए क्या? तो इस वक्त हमारे जस्ट सामने है इंडिया गेट और सभी अपने अपने असाइनमेंट के लिए फोटो ले रहे हैं, ये शांभवी फोटो ले रही है और कुछ तीन बंदे हैं जो अंदर चले गए हैं, और ये हमारे घुसाई यहाँ पे चाय ना खड़े होके बातें करने लगते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ना दे तो ये हमारी खासियत है कि हम लोगों से जान पहचान बढ़ा लेते हैं। हाँ वेरी गुड, फौज का थोड़ा ज्ञान है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड, और उन्होंने हमें एक रास्ता बता दिया कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे आर्मी वॉर मेमोरियल है वहाँ पे हम फोटो ले सकते हैं। चलो ठीक है, कितना दूर है इनसे ये पूछ लो, कैसे जा सकते हैं? किलोमीटर हाँ पैदल चल सकते हैं हम, यहाँ से सीधा सीधा जाना है जो नेक्स्ट रेड लाइट आएगी। फॉरन है और यहाँ पे हमको एक अंग्रेज का लाउंडा मिला है, शांभवी नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर करके फोटो ले रही है। वेरी गुड शांभवी, इट्स टू स्पाइसी भाई, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है भाई, मजा आ जाएगा। तो अभी हम लोग वॉर मेमोरियल की तरफ जा रहे हैं और निखिल की हरकतें देखिए, पहले इसने पापड़ में एक्स्ट्रा मसाला डलवाया और फिर उसके बाद ये पेपर फैक्ट्री की जगह मसाला चाट रहा है, और जबकि इसकी नाक और आंख दोनों में मसाला जा चुका है। लिटरली गाइस अगर आप इंडिया गेट आए और पापड़ खरीदे तो उसमें मसाला ना डलवाए, पहले आप भेलपुरी खाए फिर हैवी मसाले के साथ पापड़ खाए, बड़ा मजा आ रहा है यार। आंख में आंख और नाक में पापड़ का मसाला चला गया लेकिन तब भी ये रुक नहीं रहा है। ये देखो ये नॉन डिलाइट है, इसको दिल्ली का कुछ पता नहीं है, तब भी हमसे इतनी दूर फोटोग्राफी कर रही है, खो गई तो हम इसको जानते नहीं। हाँ ये क्या है बताओ? ये परम योद्धा स्थल है, जब नेशनल वॉर मेमोरियल को स्थापना की गई थी तो उसके साथ इसको भी ओपन किया गया था, जो हमारे भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता है
यहाँ पर उन लोगों का बस्ट लगा रखा है, अन्य जहाँ पर उन लोगों को परमवीर चक्र मिला था उसकी जीवनी वहाँ पे लिखी हुई है। और सामने से मैं पहचान रहा हूँ, वो जो सामने स्टैचू दिख रहा है वो कैप्टन विक्रम बत्रा का है। धूप के बाद अब ये इंडिया गेट हमको बड़ा क्लोजअप में फाइनली देखने को मिला, और इस वक्त हम अब जा रहे हैं वॉर मेमोरियल के अंदर, यहाँ पर जो दिख रहा है, और बहुत ही वॉर मेमोरियल एकदम शांति का एकदम फीलिंग हो रही है। बहुत ही प्लीजिंग जगह है यहाँ पे। हरियाली के बारे में अगर कहें तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। राष्ट्रीय स्मारक ये देखिए, तुम हमको 20 रुपए का पापड़ खिलाए, हमको भी बोल दे दो ये। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी वीर सैनिक थे उनके मेमोरियल के बारे में है, उनकी श्रद्धांजलि बेस्ट निर्णय इस बारे में है यहाँ पर ना। हाँ जी, ये उनके याद में बना हुआ है, सारे सैनिकों के नाम ऐसा कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी जो हमको भी ये अंदर जाके पता चलेगा क्या है, नेशनल वॉर मेमोरियल। बंदूक चलाओ, प्लीज चलाओ, मुझे सुन नहीं है। मुझे गोली लगी ऊपर से नीचे घर आसमान में समा लगे कि छू। अरे अरे डांस कर रहा है, यहाँ से आएंगे ड्यूटी पे। चलो बंद करें। अच्छा, आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें, वर्दीधारी से युद्ध करें। यह राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे यह भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। All are requested to stand in attention during the flag lowering ceremony as a mark of respect to the national flag and those in uniform to salute. You are also requested to neither clap nor raise slogans during the ceremony. Thank you. देवियों सज्जनों, समारोह समाप्त हो चुका है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सीढ़ियां चढ़कर राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में अपने विजिट जारी रखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेरेमनी इज नाउ ओवर। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली क्लाइम द स्टेयर्स एंड कंटिन्यू योर विजिट फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पर जो है वॉर मेमोरियल, यहाँ पर हम डिजिटली श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं, तो मैं भी एक ट्राई करने वाला हूँ। लाइक दिस, इस पे क्लिक करते हैं, देन इस पे क्लिक करते हैं, ये आ गया है प्रोसेस। अब इसमें हम लोग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो आई एम डूइंग दिस वन, आई एम जस्ट डूइंग दिस।
और यहाँ पे इनको सारा चीज़ लिखा हुआ है, सर्विस नंबर, यूनिट नंबर, ऑपरेशन UNMFN, वॉल नंबर, ये 4C है, मतलब 4 कॉल 4 लाइन में एंड मेंशन है, वो जो दिखाया 5165, ये सारी चीज़ें मेंशन है। हम लोग ग्रुप में अगर आते हैं तो ग्रुप में भी हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सारे ग्रुप में इतने सारे बंदे आए थे और सारे वापस चले गए, तो अब बचे हम 1, 2, 3 और 4। बस अब ये फाइनली लाल किला का फोटो और लेते हैं, उसके बाद चांदनी चौक जाएंगे परांठे वाला गली में और परांठा खाएंगे और सीधे घर जाएंगे। तो फाइनली आप शक्ल देख सकते हैं, हमारी शक्ल देख सकते हैं, हम पहुंचने वाले इतने बड़े दिन के बाद। ओके, निखिल की शक्ल देखो प्लीज। सब छोड़ छाड़ के चले गए, हम 4 बच्चे हैं, दिखाओ बाकी दो, बाकी के 2 वहाँ हैं और अब हम सब घर जा रहे हैं। फाइनली ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, देखिए अपने 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 घर के आसपास जो भी मिलेगा खाने को वो खाएंगे, कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी है। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।